फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, भारत सबसे बड़ी लोकशाही है तो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी दिखना बेहद ज़रूरी है। भाई हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से घपलेबाजी हुई है आपने देखा ही होगा, सब आपके सामने है। हम लोग 28 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें आप सभी आमंत्रित होंगे, वो पोस्टर मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। और जो सवाल था कास्ट सेंसस को लेकर, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो मैंडेटरी सेंसस होना था, इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वो भी नहीं करवाया है और उसका खामियाजा ये हुआ है। तो इस साल का जो केंद्रीय बजट आया है वो आंकड़े मैं पेश करता हूँ, वो है 48,020,512 करोड़ रुपये, जिसमें से शेड्यूल कास्ट को जो आवंटन हुआ है 1,65,493 करोड़ रुपये, जो कि 3.4% बनता है। जब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का प्लान आया था 70 के दशक में इंदिरा गांधी के ज़माने में, तो उसका पूरा जो उद्देश्य ये था कि टोटल जो बजट है उसका जनसंख्या के अनुपात में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बजट अलॉटमेंट हो, उसको स्पेशल कंपोनेंट प्लान कहते हैं। तो और शेड्यूल ट्राइब का जो अलॉटमेंट हुआ है 1,32,214 करोड़ रुपये, जो कि बनता है 2.74%। अगर रफली ये आंकड़ा देख लिया जाए, ये भी मान लिया जाए कि अभी 15% ही आबादी शेड्यूल कास्ट की है और 7.5% ही आबादी शेड्यूल ट्राइब की है, तो बजट में जो बनना था वो बनना था 7,95,384 करोड़ रुपये फॉर शेड्यूल कास्ट और 3,95,281 करोड़ रुपये शेड्यूल ट्राइब को मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है कितना, 3.43% और 2.74%। तो ये सीधा और सीधा हकमारी हो रही है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, उनको पॉपुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिए था बजट। लेकिन जो भी बजट अलॉट हुआ है, बहुत सारे काम जो है ना, मेट्रो और सड़क बनाने में फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं और शेड्यूल कास्ट के उत्थान के लिए भी नहीं मिल रहा है। मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं, जो फॉरेन स्कॉलरशिप है बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, जो पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप है बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, और लोग मुझे कहते हैं कि क्राउड फंडिंग कर दीजिए। भाई रोज़ दिन हम क्राउड फंडिंग नहीं कर सकते ना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये पूरी हकमारी हो रही है। और एजुकेशन का सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज मोदी साहब कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकॉनमी। एक बार बताइए कि जब भारत गरीब मुल्क था आज़ादी के बाद, और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर अंबेडकर सोशल जस्टिस लॉ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, भारत उस समय गरीब मुल्क था, लेकिन गरीब मुल्क में फ्री का एजुकेशन दिया गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को फेलोशिप दिए गए, फ्री में एडमिशन हुए, फ्री शिप मिला, वजीफा मिला, यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब पढ़ पाए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक आम बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा भी अगर बाहर का रहने वाला हो नहीं पढ़ सकता, एक बच्चे का रहने का खर्चा 20,000 रुपये है, और पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप जो है वो आज के हिसाब से 4,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए था। आज के हिसाब से 1977 में जब 47 रुपये मिलते थे, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे, तो उस समय सबको वजीफा मिलता था। आज वो वजीफा कहाँ गया, पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप कहाँ है, बजट बिहार सरकार ने 16 में ही बंद कर दिया। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कम से कम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लिए एक सेपरेट निधि फंड आयोग, उसको अलग से खर्चा करने का डिपार्टमेंट बनाया जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। आज इस मीटिंग में हमारे साथ कई साथी मौजूद हैं, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जैवी मिशन चलाते हैं और लीडर हैं हमारे, डीएन सिंह साहब हैं, ये किसानी प्रतिष्ठान चलाते हैं और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमारे एजेंडे पे है, उस पर बात करेंगे। विजेंद्र यादव साहब हैं, आप जानते हैं, एक्टिविस्ट हैं। अनिल पटेल हैं हमारे साथ बैठे हैं, और एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती यहाँ पर हैं, और किसान नेता राज बहादुर यादव साहब हमारे साथ हैं। तो मैं एक एक करके सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि क्या क्या इशू है, किस इशू पे हमें बात रखनी है, क्या क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, क्या हम ज्ञापन देंगे, मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर से, टाइम मांगेंगे मिनिस्टर से, टाइम मांगेंगे, डेलीगेशन जाएगा, या फिर हम आंदोलन के मोड में जाएंगे, सभा करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, हमारे साथ ही बात रखेंगे। तो सबसे पहले गौतम साहब, इसी आने वाली 28 तारीख को सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों की संख्या में दिल्ली के अलग अलग कोने कोने से और आसपास के NCR के क्षेत्र से तमाम लोग इकट्ठे होंगे रामलीला मैदान में। और जैसा अभी प्रोफेसर रतनलाल जी ने बताया कि चारों संगठन मिलके
जिसमें मिशन जय भीम, वी द पीपल, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, ये चारों संगठन मिलके काम कर रहे हैं और मुद्दे स्पष्ट हैं, जैसा उन्होंने स्पष्ट करके बताया। आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया, मतलब देश को कह रहे हैं कि देश अमीर हो रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है भारत की, और ऐसे हालात में अगर देश अमीर हो रहा है तो शिक्षा की व्यवस्था, मुफ्त क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, स्कॉलरशिप और ज़्यादा बढ़ना चाहिए था ताकि लोगों को अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ और गरीब देश था, तब लोगों को इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाया करती थी कि वो अपने पूरे साल का पढ़ाई का खर्चा, किताबों का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, तमाम तरह के किताबों का खर्चा उसी स्कॉलरशिप से उठा लिया करते थे। लेकिन आज हालात ये है कि एक तरफ मनुस्मृति ख़त्म करके संविधान आया, और संविधान के आने से लोगों के पढ़ने के रास्ते खुले, बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से पढ़ने के रास्ते खोले, सरकारी नौकरी के रास्ते खोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी रिजर्वेशन देके नौकरी के पढ़ने के रास्ते खोले। लेकिन स्कॉलरशिप से पढ़ने वाले वो लोग बड़े बड़े पदों तक पहुँचे, और आज जब अमीर से, गरीब से भारत अमीरी की तरफ बढ़ रहा है, विकासशील देश है, धीरे धीरे प्रगति के पथ पर है, ऐसे हालात में अगर हम देखें तो देश में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि जिन वर्गों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, अब बिना मनुस्मृति लागू किए, बाबा साहब के संविधान के होते हुए, आज पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्टल पे या कहीं भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके कोई बच्चा बाहर से रहता है तो 20,000 रुपये महीने का खर्चा चाहिए। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के बताता हूँ कि अगर किसी का सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, लॉ कॉलेज में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो 4 साल की डिग्री करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। और देश में अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 15 से 20 हज़ार रुपया है, तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पढ़ाई, पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, यानी मनुस्मृति की ज़रूरत नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ के शिक्षा के खर्च को इतना महंगा कर दिया कि लोग अपना पढ़ाई छोड़ दें, और ऊपर से जो नौकरियां लग जाया करती थी रिजर्वेशन से, एक एक करके सारे सरकारी जो उपक्रम हैं वो बेच दिए गए, प्राइवेटाइज हो गए, और वहाँ हमारे रास्ते लगभग बंद हैं। जितने भी बड़े पूंजीपति हैं, अगर आप देखेंगे कि वो कैसे पूंजीपति बने, जो जिस ज़मीन पर उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, कारखाने लगाए, वो सरकार से कम दाम पर लिए हैं, और बैंकों में जो आम लोगों का पैसा जमा है वहाँ से उन्होंने लोन लेके अपना व्यापार शुरू किया है, और कहते हैं कि भी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, ये तो प्राइवेट है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप सरकारी मदद ले रहे हैं, सस्ती दर पर सरकारी ज़मीन खरीद रहे हैं, और लोगों के बैंक, जो बैंक में लोगों का पैसा है, उसको वहाँ से आप लोन लेके अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो भैया उसमें रिजर्वेशन देने में क्या दिक्कत है प्राइवेट सेक्टर में? हम ये नहीं कह रहे हैं आप क्वालिटी मेंटेन मत करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्वालिफिकेशन को लोअर डाउन कीजिए, जो भी एफिशिएंसी आपको चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप रखें, लेकिन कम से कम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तो दें। सरकारी आपने ख़त्म कर दिया, प्राइवेट में आप देंगे नहीं, इतना पैसा लोगों के पास है नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के पास, कि अपना व्यापार कर लें, तो वो लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? उनके रास्ते आप बंद करते जा रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि हमारे इस आंदोलन में जाति की जनगणना, जाति की गणना, हर जाति की गणना, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी या कोई भी हो, जनरल कैटेगरी में भी, एक बार ये पता तो लग जाए किस किस जाति की जनसंख्या कितनी है, किस किस जाति में कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, कितने लॉ ग्रेजुएट है, कितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कितने मेडिकल ग्रेजुएट है, कितने मैनेजमेंट किए हुए हैं, हर जाति का पता तो लगे, और साथ में ये भी पता लगे कि कितने लोग सरकारी नौकरी में किस किस जाति के हैं। चूँकि एक तरफ उपवर्गीकरण का आप जजमेंट दे के कि भाई किसी को ज़्यादा मिल गया इसलिए जिसको नहीं मिला उसको देना है, ये कह के उपवर्गीकरण सरकारों ने करना शुरू कर दिया, कोर्ट से भी निर्णय आ गया, लेकिन ऐसा तो कोई डाटा ही नहीं है कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है और सरकारी नौकरी में उनको हिस्सा कितना मिला है। तो जब तक ये एम्पिरिकल डाटा नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? इसलिए जाति की गणना, इकोनॉमिक सर्वे, शैक्षणिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, ये पूरा होके आए, पता लगे कि खेत की ज़मीन कितने लोगों पे कितनी कितनी है, व्यापार में किस किस समाज के किस किस लोगों की क्या स्थिति है, वो सारा डाटा तो सामने आए। क्योंकि जब तक डाटा नहीं आएगा, जिस किसकी कितनी संख्या है, किसको देश की तरक्की में कितना हक मिला है, इसलिए जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हक ये मिलना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब जाति गणना हो जाए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो जाए, शैक्षणिक सर्वे हो जाए,
ताकि एक डेटाबेस तैयार हो जाए। इसलिए जाति की गणना होना जरूरी है। और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। जनता चुनाव अपना अपनी सरकार चुनती है। हम लोग बात करेंगे और एक आंदोलन तैयार करेंगे रामलीला मैदान के माध्यम से, आह्वान करेंगे पूरे देश का, ताकि उसके बाद सतत प्रयास करते हुए लगातार पूरे देश का एक आंदोलन तैयार किया जा सके, ताकि लोगों को पता तो लग चले कि आखिर जाति जनगणना की मांग हो क्यों रही है, और अगर जाति गणना होती तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। क्योंकि अभी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो इस आंदोलन के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने तक हम अपनी बात को पहुँचाएँगे, लोगों को जागरूक करेंगे और राजनीतिक पार्टियों को एहसास कराएँगे कि अगर राजनीतिक पार्टियाँ सत्ता चाहती हैं तो वो बताएँ कि अगर वो सत्ता में आएंगी क्या वो हमारे इन मुद्दों को पूरा करेंगी, जो हमारी हकमारी हो रही है क्या वो हकमारी को बंद करेंगी, क्या वो एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं है। और 12वीं 12वीं तक की बात नहीं चलेगी, हायर एजुकेशन में जिस लेवल तक बच्चा पढ़ना चाहे उसका खर्चा सरकार क्यों ना उठाए, उठाना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर सरकार किसी लिए, बाकी तो आप फ्री की बात कर रहे हैं, हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, लाडली बहना फलानी बहना, बाकी सब बात कर रहे हैं, एजुकेशन की कोई सरकार बात नहीं कर रही है। पूरे जितना चुनाव का चल रहा है प्रचार आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट में जाके कोई पार्टी इस पर बात नहीं कर रही है कि वो एजुकेशन जो महंगा हो रहा है उसके लिए वो क्या इंतजाम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, पढ़ाई छोड़ रहे, उनको पढ़ाने के लिए सरकारें क्या योजना ला रही है, उन बच्चों की फीस का क्या इंतजाम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल, रेजिडेंशियल और कॉलेजेस के साथ साथ हॉस्टल की व्यवस्था क्या कोई सरकार कर रही है। तो हम ऐसे तमाम मुद्दों को हम अपने इस आंदोलन के माध्यम से देश के कोने कोने तक, जन जन तक लेके जाएंगे, इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे और सरकारों को कंपेल करेंगे कि जब जनता आपको चुन रही है, हम आपको चुन रहे हैं, तो आपको जनता के लिए काम करने पड़ेंगे। हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर अगर आप काम नहीं करते तो पूरे देश के अंदर आपका विरोध किया जाएगा, हम आपकी सरकारों को बनने नहीं देंगे। तो इसी आह्वान के साथ मैं चाहूँगा पूरे देश के लोगों से कि आप 28 नवंबर को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान प्लीज़ आइए, हम लोग मिलकर सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।